कि 2023 में कोरोना से भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर महामारी जो है वो आ रहा है। जो 2023 में दैत्य का गर्व अहंकार मलेच्छ का विनाश हो, 2023 से अहंकार के बारे में वो बोला है, लिखा है। क्या लिखा है? दुई तीन हेबे खल भांगी दैत्य कर बल घोर समर जही हेब महामारी लिप्त हब। बहुत ही मतलब ये आंखें कभी नहीं देखा होगा और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी संभव नहीं हो पाएगा, इतना भयंकर होगा वो युद्ध। चंडी है, पुरी धाम में है, आठ चंडी है, आठ चंडी है, वो संकेत यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, वो मिलेकर क्या होगा, पृथ्वी के सारी देश में वो महामारी व्याप जाएगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचका। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हाल ही में बहुत ही बड़ी खबर जो सनसनी खबर मिली है WHO के माध्यम से, WHO के जो चीफ हैं उन्होंने ये खुलासा किए हैं कि 2023 में कोरोना से भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर महामारी जो है वो आ रहा है। तो फिर कोरोना से ये लगभग कई गुना घातक भी हो सकता है, तो ये खुलासा किया है WHO ने। तो इस पर हमारा चर्चा है, साथ में जुड़े हैं मालिका के रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक कान्हू बाबा। बाबा जी, स्वागत करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय पंचशर। जैसे कि WHO का ये खुलासा है कि कोरोना से भी बहुत ही बड़ा भयंकर एक महामारी वो आ रहा है, और वो भी 2023 में। इसके बारे में मालिका, उड़िया भाषा में जो लिखा गया है मालिका, क्या प्रमाण देता है उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। अच्युतानंद महापुरुष जी, ये जो उड़िया में लिखा है मालिका, 2023 से अहंकार के बारे में वो बोला है, लिखा है। क्या लिखा है? दुई तीन हेबे खल भांगी दैत्य कर बल घोर समर जही हेब महामारी लिप्त हब। तेणु इसका मतलब यह है 2023 में दो तीन हेब खल, इसका मतलब है कि दो और तीन, इसका मतलब है 2023 वाला अंक, 2023 के अंक। 2023 में क्या होगा? दैत्य का बल भांगेगा। अच्छा, जो असुर है, अहंकारी है, इसका बॉल भगवान भांगेगा। अच्छा, जगन्नाथ महाप्रभु 2023 वो समय है जहाँ पे जो विनाशकारी हैं, जो मेल्स हैं, और उनका जो है बल जो है यहाँ पर भंग हो जाएगा। बाबा जी बताइए, इसलिए महापुरुष लिखा है दुई दत्तेर है वो खेल भांगी वो दत्तंकर बल। जो 2023 में दत्त्य का गर्व अहंकार मिलच का विनाश होगा वो महापुरुष अच्युतानंद जी लिखा है। और जसवंत इसी बारे में भी बोला है, लिखा है। क्या लिखा है? तुम्भे सुनि लो आम्भ कथा महामारी जैव अवस्था। तेणु से कहते ये समय जो आसव बर्तमान मिलच्छ मानक संहार समय आसव, ये मिलच्छ समय कौन हम देश विदेश में जेहाद पड़ेगा, जेहाद धर्म का जेहाद होगा, धर्म युद्ध होगा। अच्छा, अच्छा। वो धर्म युद्ध में जो जगन्नाथ मतलब धर्म के बीच में फाइटिंग लग जाएगा। जी जी, बिल्कुल। अणु परमाणु केमिकल अस्त्र में जो युद्ध लगेगा, जैविक जो परमाणु हथियार है उसका प्रयोग घोर समर है। ओडिया से कहते घोर समर हम, घोर समर है। इसका मतलब है कि ओडिया में जो लिखा गया है घोर समर है, इसका मतलब है बहुत ही मतलब ये आंखें कभी नहीं देखा होगा और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी संभव नहीं हो पाएगा, इतना भयंकर होगा वो युद्ध। तो बाबा जी, बस एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समय था 2019, उड़ीसा में हुआ था एक बात्या, एक तूफान, उसका नाम था चक्रवर्ती तूफान फनी। फनी तूफान में आपको ध्यान होगा जो मई के महीने में भी हुआ था, और सिखेत पुरी धाम के अंदर जो है कल्पवट वृक्ष, उसमें आघात पहुँचा था। और इतिहास साक्षी है, जब जब पुरी में कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घटती है समग्र विश्व उसका प्रभाव में प्रभावित होता है। तो 2019 का वो वर्ष था जिसमें पुरी का जो था कल्पवट वो आघात हुआ, उसके तुरंत बाद समग्र विश्व में मौत का तांडव हम देखने को मिला। हम कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना महामारी। तो जैसे कि अभी जो खुलासा किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उनका ये मानना है कि बहुत बड़ा एक महामारी आ रहा है। तो इससे पहले क्या पुरी जगन्नाथ धाम से हमें कोई संकेत मिलेगा क्या? जगन्नाथ धाम महाप्रभु का जो घोष यात्रा है ना जी, एक अधरापणा का प्रक्रिया है, रथ यात्रा प्रक्रिया है। और जो माँ चंडी होता है, अष्ट चंडी है, इसको भोग लगाता है। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भोग खाने के लिए वो चंडी
निज स्थान पर चला कर क्या करेगा, ना महामारी को आह्वान करेगा। वो चंडी अष्ट चंडी है, अच्छा मौसणी चंडी, कुताम चंडी, जो अष्ट चंडी है पुनी धाम में है, आठ चंडी है, आठ चंडी है, वो संकेत यहाँ पर मिलेगा। अच्छा वो मिलेकर क्या होगा, पृथ्वी के सारी देश में वो महामारी व्याप जाएगा। अच्छा इसका मतलब है कि मतलब जगन्नाथ महाप्रभु जी उन सब माताओं को बुलाएंगे और उनको आदेश देंगे, आदेश देंगे कि आप जो है विदेश में होगा, उड़ीसा रहे अभी नहीं, विदेश में आएगा, विदेश से आएगा। अच्छा वो महामारी जो है विदेश से आएगा, विदेश से आएगा, भारत में किस प्रदेश से नहीं होगा, विदेश से आएगा लेकिन भारत से बाकी प्रदेश में वो फैल जाएगा, फैल जाएगा। अच्छा वो जो फैल जाएगा उसका मतलब, उसका वर्णन अगर हम करें, क्या वो भयंकर रूप ले सकता है? नहीं भयंकर नहीं लगा, नहीं लगा। महापुरुष लिखा है 3 मास रहेगा, इतना भयंकर नहीं है, 3 महीने तक वो रहेगा, रहेगा वो सरल है। जब WHO बोल रहा है कि बड़ा भयंकर होगा, और आप बोल रहे हैं मालिका में जो लिखा है हम, अच्छा मालिका में जो लिखा है आप उसके आधार पर बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा क्या लिखा है महापुरुष ने, और क्या लिखे है? महामारी जो आएगा, महामारी 3 महीने लगेगा, 3 महीने तक वो रहेगा, वो रहेगा। अच्छा उसके बाद निकल जाएगा, फिर दिल निकल जाएगा। अच्छा और फिर कितना परफूर्ण महामारी आएगा, कौन से देश से वो आरंभ होगा, कुछ ऐसा अनुमान है आपका? देश में लिखा है बाहर देश, विदेश देश, विदेश देश बस लिखा है, देश का नाम यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। जैसे कोरोना आया था चाइना से, चाइना से, ये कहाँ से आएगा ऐसा कुछ जिक्र लिखा नहीं। अच्छा अच्छा जी जी, तो फिर ये कब देश विदेश में मैंने घूमेगा, महामारी फैलेगा। क्या उड़िया में क्या लिखा है जरा सुना दीजिए हमारे भक्त। देश देश महामारी व्यापी व सर्वजन करी, अलपे हेब मुंड माल नासिबे भक्तर दुग्र। तेणु अल्प अल्प समय रे हेबो बोली महापुरुष कहउछन्ति। अच्छा अच्छा, ए जो महामारी अल्प हबो, अच्छा देश विदेश को फैला को, इसका मतलब ये है कि देश विदेश में वो ज्यादा हानिकारक हो सकता है, लेकिन हमारे देश में, भारत देश में ये हानिकारक कम होगा, हानि तो पहुंचाएगा, कम हानि पहुंचाएगा, और इसका असर रहेगा 3 महीने तक। तो समय साक्षी है, देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो बाबा जी हमें बहुत ही मूल्यवान समय आपने दिए, हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही मूल्यवान तथ्य भी दिए, मालिका के तथ्य, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जगन्नाथ, जय प्रिंस। तो अभी आप सुन रहे थे मालिका के रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक कान्हू बाबा जी को। तो बाबा जी वही बोल रहे थे कि क्या प्रमाण देता है महापुरुषों की मालिका ग्रंथ, महामारी आएगा तो कब तक आएगा, अगर आएगा तो कितने महीने तक रहेगा, अगर रहेगा तो कहां कहां पर ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा। हालांकि उड़ीसा में चाहे भारत के बाकी प्रदेश में ज़्यादा डरने वाला बात नहीं है, देखते हैं इतिहास साक्षी, समय साक्षी है, क्या क्या होता है, कब कब होता है। तो मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ, जय पंचखा।